बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें स्कूल में मिड डे मील हो या आंगनवाड़ी में बच्चों को खाद्य दिया जाता है, प्लस 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ नागरिकों को महीने के महीने फ्री राशन जो पहुंचाया जाता है। इस माध्यम से, इस फ्री राशन के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाए और किस तरह से दो जो बहुत बड़ी समस्याएं, एनीमिया की समस्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, हाउ डू वी एड्रेस द टू मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग आवर सोसाइटी, फर्स्ट इज ऑफ एनीमिया एंड सेकंड इज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। इसके ऊपर लास्ट 3 इयर्स में लॉट ऑफ वर्क हैज हैपेंड। 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम से इसका बिगिनिंग की गई थी, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का। 2018 में एक्चुअली इसका पहला पायलट किया गया था, और इससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात में किया था, और ये दुनिया के करीब करीब 140 देशों में फोर्टिफाइड राइस या फोर्टिफाइड फूड ग्रेन्स या फोर्टिफाइड फूड मटेरियल्स दिए जाते हैं, जिसमें विशेष फोकस होता है टू सप्लीमेंट आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। इन सब का सप्लीमेंट करने का एक तरीका दुनिया भर में, इट्स ऑलरेडी अ वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। WHO वगैरह सबके सब इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। तो 2018 में पायलट हुआ था, 2022 में ICDS और PM पोषण प्रोग्राम्स कवर हुए थे, 2023 में ऐड किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, और 250 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टंटिंग की इंसिडेंस ज्यादा थी, यानी बच्चों की ग्रोथ कम रहे ऐसे इंसिडेंसेस ज्यादा थे, उन सब को कवर करके एक विस्तृत तौर पे फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का प्रोग्राम चलाया गया था। और गत मार्च में यह फैसला लिया गया कि सारे के सारे एरियाज जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राइस की या फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, उन सब एरियाज को इस प्रोग्राम में कवर किया जाए। तो साथियों, आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी, और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। इस काम को